युवावस्था में इंसान को चार चीज़ें नाकामयाब बर्बाद कर देती है। नंबर एक, सक्सेस से पहले प्यार का शिकार बनना। नंबर दो, अत्यधिक क्रोधित रहना। नंबर तीन, अपने काम को आलस की वजह से टालते रहना। नंबर चार, आप अपने खुद के ऊपर विश्वास न होना। ये चार पॉइंट से जो आपको नाकामयाब बना देती है, बर्बाद बना देती है। दोस्त, इन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा गौर से समझिए। क्या हम जिस कार्य में, जिस क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं, क्या कहीं हम मेहनत करते समय सक्सेस से पहले किसी लड़की का शिकार तो नहीं बन गए? होता क्या है, हम चाहते एक बड़ी कामयाबी हासिल करना, हम चाहते एक सफलता को हासिल करना, बट दोस्त इसमें जब हम कार्यरत करते, जिस समय हम मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करते समय इस रास्ते के अंदर एक प्यार नाम का शब्द आपके पैरों में गिर जाता है या आप उसके शिकार बन जाते हैं, दोस्त आपसे कामयाबी दूर चली जाती है। और कामयाबी को आप चाहते हैं अगर हासिल करना, तो सिर्फ प्यार जो लड़की के चक्कर के मामले में होता है, इन चीज़ों को आप थोड़ा साइड में रखिए, क्योंकि हम सक्सेस नहीं हैं। और सक्सेस बहुत बड़ी चीज़ होती है और हमें सफल बनना है, इन चीज़ को पहले समझे। तो सर्वप्रथम पॉइंट को आप यहाँ पे क्लियर करना है कि सफलता से पहले प्यार का शिकार बिल्कुल ना बने। 18 से 25 साल की उम्र एक सफलता का एज है। इसी एज में हम हमारी कामयाबी की बुलंदी को हासिल करने वाले हैं, मगर इस एज में अगर हम एक प्यार जैसे शब्द का शिकार बन जाते हैं, हमारे मम्मी पापा के कर्म को हम भूल जाते हैं, जिन्होंने बचपन से लेकर अभी तक हमें कितना पढ़ाया, कितना लिखा है, कितनी संस्कृति, कई कल्चर हमें दिया है, क्या वो कल्चर इस एज में प्यार करने के लिए दिया है? जेब में पैसा नहीं और एक लड़की के ऊपर खर्च करने के लिए दिया है, कहीं ना कहीं इंजॉय करने के लिए, क्या उसको साथ लेकर घूमने के लिए? नहीं दोस्त, क्या प्यार इस शब्द में अगर आपका खर्च हो रहा है, आप सफल व्यक्ति नहीं है। प्यार एक अच्छी चीज़ है, आपको आपकी प्यार मिलनी ही चाहिए, प्यार करना जरूरी है, बट दोस्त सक्सेस से पहले आप प्यार ना करें। मेरे कहने की इस मीनिंग को आप समझिए कि प्यार एक अच्छी चीज़ है। दोस्त प्यार से कई सारे आप चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, मगर उसकी एक एज होती है दोस्त, क्योंकि हमें खुद को सफल होने की ज़रूरत है। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा क्लियर कर लेना। दूसरा पॉइंट है दोस्त, अत्यधिक क्रोधित रहना। कई बार क्या होता है, हम हमारे कार्यशील क्षमता में कार्य करते रहते हैं और कुछ तान तनाव परेशानी की वजह से, तो कई बार हमें गुस्सा आना और इससे हम ज़्यादा क्रोधित होते हैं। तो इन क्षमता को आप थोड़ा सा पेशेंस में रखें, क्योंकि दोस्त अत्यधिक क्रोधित व्यक्ति कभी भी अपने सफलता में कामयाबी हासिल नहीं कर लेता है। एक सफल व्यक्ति मुँह में शक्कर, पाँव में चक्कर, सर पे बर्फ लेकर ही अपने कार्यशीलताओं को बढ़ाता रहता है और दिल में आग जुनून होती है। इस पॉइंट को आप गहराई से दूसरे पॉइंट को समझिए। तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं, आप अपने काम को टालना बिल्कुल छोड़ दीजिए। होता क्या है, हमारे काम को टालते हैं, नहीं इस काम को हम कल करेंगे, नहीं इस काम को हम परसों करेंगे। कई बार बिजनेस होती है, बिजनेस में प्रमोशन आपको लेनी पड़ती है, तब प्रमोशन लेने जो प्लानिंग का सही समय होता है, शाम का हो, सुबह का हो, डेली आप प्लानिंग कर सकते हैं। एज अपने दोस्त साथी यार जो भी आपके सीनियर हैं, उनसे आप कनेक्ट में रहकर लगातार प्लानिंग कर सकते हैं, लगातार सक्सेस के लिए आप अपनी एक योजना, ये तालमेल, टीम भावनाएं निर्मित कर सकती है। और ये चीज़ें जरूरी हैं, करना ही पड़ना बहुत जरूरी है। जब आप करेंगे तभी आप कुछ ना कुछ हासिल कर पाएंगे, और ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्त हम चाहते हैं एक बड़ी इनकम स्रोत का आरंभ करना है, और बड़ी इनकम स्रोत हम तभी कर पाएंगे जिस समय हमारे काम को हम दिल से, तन मन से कर पाएंगे। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, आप अपने खुद के ऊपर विश्वास रखिए। दोस्त आप प्यार इस चीज़ से साइड में हैं, आपने लक्ष्य केंद्रित किया है और अपने क्रोध को कंट्रोल किया है, पेशेंस रखा है। तीसरी चीज़, अब अपने काम को टाल रहे नहीं, समय टू समय पे कर रहे हैं। तो चौथी चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्त, आपका आपके प्रति विश्वास, बल्कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होना चाहिए, आत्मविश्वास में कन्वर्ट होना चाहिए। आपको आपके खुद के प्रति एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं 100% इसी क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल करूँगा। दोस्त अक्सर आप जिस प्लेटफॉर्म को करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने खुद के ऊपर आत्मविश्वास नहीं होता है, तो उस क्षेत्र में हमें सफलता नहीं मिलती है। तो सर्वप्रथम अपने आत्मविश्वास को आप प्रबल में बनाइए, आप एक प्रबल भूमिका का हकदार बनिए, आप अपने खुद को स्ट्रांग की लेवल में ले जाइए,
आप एक मजबूत बन के अपने इस बेसिक को स्ट्रांग बनाइए। आपका बेसिक स्ट्रांग तो आपके कामें भी 100% स्ट्रांग ही होंगी। आप एक सफल व्यक्तित्व माने जाएंगे। तो आप जो भी चीज़ें सीख रहे हैं अपने जीवन शैली में अपडेट करते रहिए, सीखते रहिए और हो सके उतने अपने ज्ञान को ग्रोथनेस में लाइए। डेली बुक्स पढ़ते रहिए, सकारात्मक सोच वाली ऑडियो वीडियो सुनते रहिए। इससे क्या होगा, हमारे जीवन शैली के अंदर कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा की उन्नति होगी। और जब पॉजिटिव ऊर्जा की उन्नति होती है तो दोस्त एक जोश जुनून आपका बेहतर से बेहतर बढ़ने में, इम्प्रूव होने में हेल्प होती है। दोस्त दुनिया में दो शक्तिशाली चीज़ें हैं, एक होती है परिभौतिक शक्तिशाली चीज़ और एक होती है दोस्त भौतिक शक्तिशाली चीज़। भौतिक शक्तिशाली चीज़ से परिभौतिक शक्तिशाली चीज़ 10 गुना पावरफुल होती है। जैसे भौतिक शक्तिशाली चीज़ कौन सी है, जिन चीज़ों को हम आँखों से देख पा रहे हैं, जैसे कि आम, एक आम का पेड़ है उसको आप आँखों से देख पा रहे हैं, बहुत दोस्त उससे जो ऑक्सीजन आ रहा है, आँखों से देखने वाली चीज़ें भौतिक चीज़ में आती हैं, मगर जिस आम के पेड़ से जो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है यह परिभौतिक ताकत, परिभौतिक शक्तिशाली ताकत। और दोस्त एक बात को और यहाँ पर आप समझ लेना है, तो जैसे हमारे घर के अंदर एक फैंस होती हैं, वो फैन जो घूम रही हैं वो दिखने वाली चीज़ है, भौतिक ताकत, मगर उस फैन से जो हवाएं हमें मिल रही हैं दोस्तों परिभौतिक शक्तिशाली ताकत। तो इन दोनों चीज़ों का अगर आप चाहते हैं परिभौतिक शक्तिशाली ताकत की निर्मिति करना, तो दोस्त आपको डेली इन चार पॉइंट को अपने जीवन शैली में बेहतर से बेहतर समय समय पर अपडेट करने की ज़रूरत है, हर चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आज के इस चार पॉइंट को आप सोच पाए होंगे। यही चार पॉइंट अगर आप सही ढंग से पॉजिटिव से अपने जीवन शैली में लागू करते, यू आर सक्सेस, आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।